हेलो स्टूडेंट्स, माटी वाली लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने। और इस पाठ में टिहरी बांध जब बना था तो लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आई थी, उन सभी समस्याओं का वर्णन विद्यासागर जी ने इस पाठ में किया है। इसमें मेन जो मुख्य बात है वो एक स्त्री हैं, बुढ़िया माई हैं, उनके जीवन का वर्णन किया गया है। जो बूढ़ी माई हैं वो लोगों के घरों में माटी पहुंचाने का काम करती हैं, सिर पर कनस्तर रखकर, खाली डब्बा पीपा जो होता है लोहे का वो रख कर के लोगों के घर घर जा कर के वो मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती हैं। और मिट्टी पहुंचाने का जो काम करती हैं वो मिट्टी लोगों के घरों के चूल्हे चौके लीपने में काम में ली जाती है, या यूँ कहें कि जो वो मिट्टी देती हैं लोगों को उसी से ही लोगों के चूल्हे जलते थे, क्योंकि वह लाल मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली औरत है। शहर में कहीं भी माटा खान नहीं है, यानी कि शहर में कहीं भी मिट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि जो नदियां हैं उनके तटों से केवल रेतीली मिट्टी मिलेगी और उससे चूल्हे को आप लीप नहीं सकते हैं। इसलिए जो टिहरी शहर है, टिहरी जो जगह है, उसके जो नए किराएदार थे वो भी बुढ़िया माई के ग्राहक बन जाते थे। यह बूढ़ी माई जो हैं एक हरिजन महिला हैं और घर की मालकिन जो है उसे आंगन में मिट्टी डालने के लिए कहती हैं, और वह सारी मिट्टी एक आंगन में कोने में रख देती है। तब उसे घर की मालकिन खाने के लिए दो रोटियाँ देती है, साथ ही उसे चाय भी देती हैं। तो वह एक रोटी खुद खा लेती है और एक रोटी अपने पति के लिए छुपा करके रख लेती है, और मालकिन से कहती है कि चाय भी अपने आप में साग है, साग यानी सब्जी है। वह कहती है कि उसके लिए यह चाय जो है वो सब्जी का काम करेगी, लेकिन मालकिन कहती है कि भूख भी अपने आप में साग है, यानी कि भूख लगी हो तो सब कुछ सब्जी जैसा ही लगता है, यानी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं लगती है, भूख लग जाए तो रोटी भी टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। माटी वाली जो है पीतल के ग्लास में चाय पीती है, और वे कहती है कि आजकल चाय पीने के लिए लोगों ने कांच या स्टील के गिलास खरीद लिए हैं, पीतल के गिलास तो बहुत कम लोगों ने संभाल करके रखे हुए हैं। मालकिन ने कहा कि अपने पुरखों की वस्तुओं से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इन गिलासों को बेचती नहीं हूँ, यानी कि वह पीतल के गिलास को बेचती नहीं है। वह पुनः कहती है कि अब यदि टिहरी बांध के कारण इस जगह को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। वह मालकिन से क्या कहती है कि अब जब टिहरी बांध बनेगा तो लोगों के घर खाली करवा दिए जाएंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, यह उसके सामने एक बड़ी समस्या है। क्यों क्यों बड़ी समस्या है कि जिनके पास जमीन जायदाद है वो तो अपने वहाँ ठिकानों पर चले जाएंगे, लेकिन बुढ़िया माई के पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई घर है, ना कोई खुद का मकान है, ना ही उसकी कोई देखभाल करने वाला है। माटी वाली वहाँ से किसी दूसरे घर में गई, तब फिर उस मालकिन के यहाँ से दूसरे घर में जाती हैं, और वहाँ पर भी उसे मिट्टी लाने का आदेश मिलता है और साथ ही दो रोटियाँ उसे दे दी जाती हैं, और वह अपने जो साड़ी पहन रखी है, कपड़ा है जो उसका, उसके किनारे से रोटियों को बांध लेती हैं। माटी वाली का गांव नगर से दूर था, इसलिए उसको पैदल चल करके वहाँ पहुँचने में एक घंटा लग जाता था। रास्ते में उसने प्याज खरीदे और उसने सोचा कि प्याज पीस करके अपने बूढ़े पति को खाना खिला दूंगी, रोटियाँ खिला दूंगी जो उसने अपने आंचल में बांध रखी थी। तो उसने सोच लिया था कि वह चटनी बना करके और अपने पति को खिला देगी, उसे लग रहा था कि वह उसका इंतजार कर रहा होगा। माटी वाली की प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी, यानी कि डेली वो यही काम करती थी, मिट्टी खोदती, शहर पहुंचाती और फिर रात तक गांव में लौटना। उसके पास खुद का कोई खेत, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं थी। जो उसकी झोंपड़ी थी वो भी ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई थी। ठाकुर की जो ज़मीन थी उसके बदले में उसको बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार क्या होती है? बेगार होता है किसी का काम फ्री में करना। तो जब ठाकुर ने उसको झोंपड़ी दे रखी थी तो उससे बेगार भी करवाता था, फ्री में अपने घर के छोटे मोटे सब काम करवाता था। जब वह ये सोच रही थी और घर पहुंची और देखा कि उसका पति जो है, बूढ़ा पति जो है, उसे छोड़ करके जा चुका था। टिहरी बांध के जो लोग आए, पुनर्वास जो कर रहे थे से संबंधित अधिकारी आए थे, उससे उसके घर का पता पूछा। उसने बताया कि उसने ज़िंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। तब बुढ़िया माई लोगों को क्या कहती है, अधिकारियों को, कि उसने तो अपने ज़िंदगी भर लोगों के घरों में मिट्टी
पहुंचाई है। तो अधिकारी कहता है कि क्या माटा खान उसके नाम है? तब बुढ़िया कहती है, नहीं यह मेरे नाम नहीं है। तो बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए। वो ये कहता है कि ज़मीन के कागज़ दिखाओ। तो बुढ़िया कहती है, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? यानी कि मेरे पास तो कागज़ नहीं है, यदि बांध बनेगा तब मैं क्या खाऊंगी? तो अधिकारी कहता है, ये बात हम नहीं बता सकते कि आप क्या खाएंगे, यह तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा कि आप क्या खाएंगे। इसी के साथ टिहरी बांध को दो सुरंगों के साथ बंद कर दिया जाता है, और यही कारण होता है कि पूरे नगर में पानी भरने लग जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। नगर के लोग घरों को छोड़ छोड़ करके घर से बाहर भागने लग जाते हैं, और पानी भरने से शमशान घाट भी डूब जाते हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई हर आने जाने वाले से यही कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी कि गरीब आदमी जो है उसका तो शमशान ही है, यानी कि वह मर कर ही उसमें उसका खुद का होता है, उसकी खुद की ज़मीन होती है शमशान में, तो इसलिए वह उजड़ना नहीं चाहिए। शहर के जो लोग थे वो उसको अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह अकेली ही औरत थी जो लाल मिट्टी घरों में पहुंचाती थी, और कोई ऐसी महिला नहीं थी। इस महिला का जो चित्रण किया है, उसके दुख का जो वर्णन विद्यासागर जी ने किया है, यह उसमें बताया गया है। प्रश्न आ जाता है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था? उसके पास देखिए समय बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहती थी। पहले वह मिट्टी खोती, फिर नगर में जाती, घर घर जा कर के मिट्टी पहुंचाने का काम करती, इसलिए उसके पास खुद के बारे में बात करने का और सोचने का कोई समय नहीं था। यहाँ पर माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना, देखिए वो एक रोटी बचा करके रख लेती है, और उसकी मजबूरी को दिखाया है कि किस तरह से जब उसे दो रोटी मिलती हैं तो उसमें से एक अपने आंचल में बांध लेती है, और माटी वाली का अपने पति के सिवाय उसका कोई और सहारा भी नहीं है, और ये उसकी मजबूरी है कि उसे पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता है। उसके मन में अपने बूढ़े पति के लिए बहुत प्यार और सम्मान है, और वह रास्ते में उसके लिए प्याज भी खरीदती है, भले ही उसके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिट्टी के बदले उसे केवल खाना दिया करते थे, और वह अपने पति की खुशी के लिए चटनी बनाने के लिए प्याज भी खरीदती है, और उसके पति के प्रति उसकी प्रेम की भावना का इस बात से हमें पता लगता है। यहाँ पर शहरों के विकास और औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, उसके कारण लोगों की जो समस्याएं हुई हैं, लेकिन जो धन संपन्न जो है लोग, साधन संपन्न जो है, अच्छे पैसे वाले जो लोग हैं, वो तो इन चीज़ों का सामना कर लेते हैं, अपना घर और कहीं बना लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो गरीब लोग हैं उनके सामने जो समस्या है कि जो रोज़ अपनी रोटी कमा करके रोज़ ही उससे खाना खाते हैं, रोज़ का चूल्हा उनका रोज़ ही कमाना पड़ता है, विस्थापितों को अपना जो स्थान है वो छोड़ना पड़ता है, नया निवास स्थान ढूंढना पड़ता है, उसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और यह समस्या उनके लिए बहुत ही विकट हो जाती है। और इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, यानी कि जो टिहरी बांध बनाया गया था, इसमें लोग जो विस्थापित हो गए थे, विस्थापित होना यानी उनके अपने घर बार छूट गए थे, उन्हें पूरा न्याय नहीं मिल पाता।